हेलो एंड वेलकम ऑल। आज का जो लेक्चर है यह है यूज ऑफ ईट पे, जो कि काफ़ी ही अधिक यूजफुल है और बहुत ही अधिक सरल है समझने के लिए। तो इसमें हम सीखेंगे ईट का यूज। नौ यूज मिलेंगे हमें, लेकिन नौ यूज शुरू करने से पहले ईट के बारे में जो बेसिक बातें हैं वह आपको जानना है कि ईट की हिंदी होती है यह। साथ में ही ईट एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसा? पर्सनल प्रोनाउन है, जिसका यूज सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही केसेस में होता है। मतलब होता है कि ईट का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ईट का यूज ऑब्जेक्ट के भी रूप में करते हैं। साथ में ही अगर बात करें तो ईट एक सिंगुलर प्रोनाउन है। मतलब प्रोनाउन तो जानते हैं आप, प्रोनाउन मतलब जिनका यूज हम नाउन के बदले में करते हैं। तो ईट प्रोनाउन का जब यूज करेंगे तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के बदले में ही करेंगे। तो ये हो गई ईट के बारे में बेसिक बातें। अब इसके नौ यूज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो यूज है वह है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। इस यूज का सबसे अधिक हम प्रयोग करते हैं। मतलब होता है कि वैसे चीजों के लिए जिनकी लाइफ नहीं होती है, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए, मतलब नॉन लिविंग बींग के लिए हम यूज करते हैं ईट का प्रोनाउन के रूप में। राइट, मतलब सिंगुलर होगा वो नाउन, तो उसका प्रोनाउन ईट हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ईट इज अ पेन। आप जानते हैं पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, सो यहाँ पे ईट आ जाएगा इसका प्रोनाउन अगर लगाना होगा तो। सो ईट आया है। अगर ऑब्जेक्ट रूप में करेंगे तो टेक इट विद यू। आपको बताया ना कि ईट क्या है, सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो एक जगह पे सब्जेक्ट के रूप में किया यूज, दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट के रूप में किया। ठीक है, तो यह पहला हो गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, नंबर टू है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए अगर प्रोनाउन यूज करना है आपको तो यूज ईट करेंगे, लेकिन कब? जब एनिमल की जेंडर को बताने की जरूरत नहीं होगी। सपोज कोई भेड़, शीप, कोई शीप आपके सामने से गुजर रहा है तो आपको पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है। तो इसके लिए अगर आपको कहा जाए कि प्रोनाउन यूज करो तो आप इसके लिए करेंगे ईट। तो जब जेंडर मेंशन करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे ही करेंगे। इसको लिख दिया है कि जब जेंडर बताने की जरूरत नहीं होती है। राइट, सो इट इज अ डॉग, है ना, यह एक डॉग है। तो यहाँ पे देख लिया दूर से कि डॉग है। अब डॉग है कि बीच है नहीं पता हमें, बट हम डॉग बोल देंगे, लेकिन प्रोनाउन क्या आएगा फिर इसका? इट ही आएगा। फिर वैसे ही वी फीड इट, हम इसे खिलाते हैं, तो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हो गया है। तो दो यूज कंप्लीट किया। थर्ड नंबर, बहुत ही सिंपल है, समझ में आएगा पूरा। फॉर अ यंग चाइल्ड, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए करेंगे हम ईट का प्रयोग। कब करेंगे? सपोज कोई छोटा बच्चा आपके सामने खेल रहा है, आपको उसके पहनने से, चलने से, बोलने से समझ में नहीं आ रहा कि मेल है कि फीमेल है, और आपको फिर उसके लिए यूज करना है प्रोनाउन का, तो उसके लिए आप यूज कर देंगे ईट का। जैसे कि द बेबी इज क्यूट, तो फिर इस द बेबी के लिए आ जाएगा इट इज नाउ क्राइंग, यह अब रो रहा है या रो रही है, कुछ भी हो जाएगा, बिकॉज चाइल्ड एक कॉमन जेंडर होता है। सो यहाँ पे क्या किया, जब जेंडर बताने की जरूरत यहाँ भी नहीं है तो हम ईट का प्रयोग कर देंगे। जब जेंडर डिसाइड हो जाएगा तो फिर आप ही शी जो यूज करते हैं वो करेंगे। यहाँ पे भी जब मेल, इसमें भी थर्ड नंबर यूज में, सेकेंड नंबर यूज में, जब एनिमल का जेंडर अगर बात करेंगे क्लियरली तो वहाँ पे भी आपको ही शी करना पड़ेगा। अदरवाइज जेंडर की जब जरूरत नहीं है तो वहाँ पे ईट ही करेंगे। तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि यंग चाइल्ड पे और साथ में एनिमल्स के लिए हम ईट का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट के लिए, स्टेटमेंट की हिंदी क्या होती है? कथन। कोई कथन है, सपोज यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसी में आगे कहा जा रहा है यू शुड नोट इट, मतलब यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छा आदमी हो। यह जो सेंटेंस है कहा जा रहा कि आप इसको नोट कर लो। तो नोट किस चीज कर लो? यह सेंटेंस को कि आप एक अच्छा आदमी हो। तो इस स्टेटमेंट के लिए प्रोनाउन यूज किया हमने कौन सा? इट। यही है कि स्टेटमेंट के लिए भी ईट करते हैं। देखिए यहाँ पे राम है सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, राम ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। ठीक है, एंड इट इज नोन टू हिम, और यह उसे पता है।
तो जो स्टेटमेंट जो अंडरलाइन किया है स्टेटमेंट पोर्शन हो गया ईट के लिए यहाँ पे कि राम ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है और इस चीज को कहेंगे क्या फिर इसका प्रोनाउन ईट, यह राम को पता है तो इसलिए ईट आया है इतना चीज के लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए भी ईट का यूज हो जाता है। नेक्स्ट वन यूज नंबर फाइव में टेम्पररी सब्जेक्ट के लिए देखिए यहाँ पे टू रन इज इजी। आपने देखा होगा इन्फिनिटी का यूज देखा होगा इस चैनल पे भी है और अभी जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं जब वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। इन्फिनिटी का एक यूज है कि इन्फिनिटी का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इज एक वर्ब है और टू रन इन्फिनिटिव है, मतलब क्या है यह एक सब्जेक्ट है राइट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और फिर ये इजी हो गया जो भी कह दीजिए कॉम्प्लीमेंट राइट। तो एज टेम्पोरल सब्जेक्ट में ईट आता है कैसे, यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब आपको पता चल गया। अब मैं इसको लिखता हूँ इट इज इजी टू रन। अभी क्या किया हमने, वर्ब लिखा, वर्ब के पहले ईट लिखा और फिर बाकी चीजों को लिख दिया। तो यहाँ पे बाकी चीज में क्या है, जो सब्जेक्ट टू रन था यह बाद में आ गया, तो इधर हमने एक अलग से एक सब्जेक्ट डाल दिया टेम्पररी सब्जेक्ट, वह क्या है ईट, और यही यूज है ईट का टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, इट इज इजी टू पास द एग्जाम। तो इसका एक सिंपल सेंटेंस क्या हो सकता था, टू पास द एग्जाम इज इजी, ऐसा होता। तो यहां पे वर्ब है और पूरा टू पास यहां पे सब्जेक्ट है और द एग्जाम इससे संबंधित वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे राइट। अब यहां पे ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या किया कि सबसे पहले इट डाल दिया, फिर वर्ब डाल दिया और फिर ऑब्जेक्ट डाल दिया और लास्ट में जो सब्जेक्ट था टू पास ए डाल दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमने ईट का यूज कर दिया टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में। और ध्यान रखना है कि जो रियल सब्जेक्ट होता है वह वर्ब के बाद आता है, रियल सब्जेक्ट जो होता है जैसे टू पास वाला रियल सब्जेक्ट हुआ वर्ब के बाद आया, यहाँ पे टू रन जो रियल सब्जेक्ट था यहाँ पे भी वर्ब के बाद आया था, ये ध्यान रखना होता है। फिर ईट का यूज नंबर सिक्स इसमें है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं, नाउन या प्रोनाउन पे जोर देने के लिए कैसे करते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एक इट इज राम हु स्टार्टेड स्पीकिंग, एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं इसका, राम स्टार्टेड स्पीकिंग। हिंदी तो आप सबको पता है इसका, राम ने बोलना शुरू किया। तो अब हम ना राम पे जोर देंगे तो कैसे लिखेंगे, इट इज राम, इट इज राम और फिर हु डालेंगे और फिर स्टार्टेड स्पीकिंग। हिंदी होती है यह राम ही है जो बोलना शुरू किया। तो यहाँ पे राम शब्द पे जोर जा रहा है, राम शब्द पे जोर देने के लिए भी हम ईट का यूज करते हैं। और इस स्थिति में मतलब जो नाउन यहाँ पे राम के जगह पे कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे इट इज यू हु स्टार्टेड स्पीकिंग, तो यहाँ पे प्रोनाउन यू हो गया। तो यहाँ पे भी जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके पहले आता है ईट, जिस पे जोर देना होता है उसके पहले आता है ईट, मतलब नाउन प्रोनाउन ईट के बाद आता है, समझ गए होंगे। ध्यान रखना है आपको इट इज राम, इज राम के अनुसार नहीं है, इज ईट के अनुसार हुआ है, इट इज यू, यू हुआ है ईट के अनुसार, इट इज इट आर यू मत कर दीजिएगा यहाँ पे, कॉमन रस में ये पूछते रहता है बार बार, सो इट इज ही रहेगा यहाँ पे राइट। सो यहाँ पे हमने पहले सेंटेंस में राम जो कि एक नाउन है उस पर एम्फेसाइज किया, दूसरे में यू जो प्रोनाउन है इस पर एम्फेसाइज किया, और एम्फेसाइज करने के लिए हमें इस तरह का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा और इस स्ट्रक्चर में ईट सब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट यूज, यूज नंबर सेवन इम्पर्सनल वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। इम्पर्सनल वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है ईट। सबसे पहले समझना पड़ेगा इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है। आप एक सेंटेंस बहुत देखते होंगे इट रेन्स, ठीक है,
ये भी देखते होंगे, ईट स्नोज। एक और सेंटेंस लेता हूँ, ईट थंडर्स। ये जरूर देखते होंगे आप, है ना। देखिए जो ये रेन्स है वर्ब का पांचवा फॉर्म है, स्नोज है वर्ब का पांचवा फॉर्म है, थंडर्स का है वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और रेन मतलब, रेन्स मतलब वर्षा होना, है ना। तो रेन्स जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं किया गया है। तो जब डिसाइड नहीं किया गया तो कैसा क्या करेंगे फिर। तो जिन वर्ब्स का सब्जेक्ट इम्पर्सनल वर्ब्स का, मतलब जिन वर्ब्स का सब्जेक्ट डिसाइड, जिन वर्ब्स का सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुआ है उसे कहते हैं इम्पर्सनल वर्ब। और इम्पर्सनल वर्ब भी रहेगा तो सब्जेक्ट तो रहेगा ना सेंटेंस में, तो उसका सब्जेक्ट करता है ये काम, ठीक है। लिख दिया इम्पर्सनल वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है उसे कहते हैं इम्पर्सनल वर्ब। और ऐसी स्थिति में इट रेन्स, यहाँ पे ईट हो गया सब्जेक्ट का काम। बाकी सब भी देख लीजिए, ईट स्नोज बर्फ गिरती है, ईट थंडर्स बिजली चमकती है, हिंदी आप जानते होंगे, ईट रेन्स वर्षा होती है। तो ये हो गया इम्पर्सनल वर्ब का सब्जेक्ट रूप में, जो बहुत ही है जानते थे आप, यूज करते थे, लेकिन ये क्या रोल है ये नहीं पता था आपको। फिर है रूल नंबर 8, बहुत ही चीज, कभी आपको वेदर बताना होता है तो वेदर बताने के लिए भी आप ईट को सब्जेक्ट रूप में यूज करते हैं वेदर बताने के लिए। जैसे कैसे, इट इज समर, गर्मी है, इट इज समर या गर्मी का मौसम है। सो यहाँ पे ईट को यूज कर लिया हमने वेदर बताने के लिए। और दूसरा यूज भी करते हैं आप वो जो 9th नंबर है, टाइम बताने के लिए, जैसे कि इट इज 9 o'clock। सो यहाँ पे आपने, हमने पूरा कर लिया ईट के 9 यूज। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि यूट्यूब बहुत लोगों को दिखाए, साथ में शेयर करिए आपके दोस्तों तक, वो भी समझें, वो भी जान लें। थैंक यू वेरी मच।